आज फादर्स डे पे पिता के ऊपर, पिता फादर पा बापू सब जो एक शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और मेरे पापा 8-10 साल का था तब मैं अनाथ हो गया था, और तब से लेकर आज 60 साल की उम्र तक भी आज कचोटता है, कुछ कमी वो जो ताकत छीण से हो गई। और आज तब से लेकर आज तक मिस करता हूँ कि मेरे काश मेरे पापा होते हैं, उन्हीं को समर्पित एक पिता क्या होता है। पिता जीवन है, पिता संबल है, शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है, पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है, पिता कभी खट्टा कभी खारा है, पिता पालन जो सब और परिवार का अनुशासन है, पिता धोखे से चलने वाला अनुशासन है, पिता रोटी है, कपड़ा है और मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता अपरदर्शित अनंत प्यार है, पिता है तो बच्चों में प्यार है, पिता है तो बच्चों को ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं, फिर खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती अगर पिता है तो, वो अपने आप में खिलौना है। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है, पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है, पिता गृहस्थी के आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है, पिता अपनी इच्छाओं की हनन और परिवार की पूर्ति करता है, पिता अपने दिए हुए रक्त के संस्कारों की मूर्ति है, पिता एक जीवन को जीवन दान है, पिता दुनिया दिखाने का एहसान है, सुरक्षा है अगर सिर पर, सुरक्षा है अगर सिर पर पिता का हाथ है, अगर पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, पिता का हाथ है अगर पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं अभिमान करो, ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता, पिता की कमी को कोई बांट नहीं सकता, ईश्वर की पूजा का स्थान दूजा है, माँ बाप की संग ही सर्वप्रथम, विश्व में किसी तीर्थ की यात्रा कर लो, आप चारों धाम कर लो, आठों धाम कर लो, सारी यात्रा बेकार है जब तक आपके माँ बाप खुश नहीं है। तो ये दो पंक्तियाँ मैंने आपको पिता के ऊपर समर्पित करी। इसके साथ ही माँ बापों के आशीर्वादों के हाथ हजारों होते हैं, ये तो बात सही है कि सब बनावटी रिश्ते से बेहतर अपना खून, अपना पिता, अपना परिवार, उससे बढ़िया कोई संसार में दोस्त नहीं, उससे बढ़िया संसार में कोई प्रेम नहीं, उससे बढ़िया कोई संसार में मजबूती नहीं, उससे बढ़िया परिवार में त्याग नहीं। अब मैं बात करता हूँ रेमंड्स के मालिक, रेमंड्स के मालिक ने अपने बेटे के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दी थी, और वो आज अपने एक एक दाने के लिए मोहताज हो रखे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, जबकि उसने अपने बेटे को 10,000 करोड़ रुपये का शेयर ट्रांसफ़र कर दिया था। उनका कहना है कि जीते जी आप कभी भी प्रॉपर्टी या शेयर या जो भी हो, आप बेटे को देना हो, बहू देना हो या जिसको भी देना हो, आप विल बनाइए, वसीयतनामा बनाइए, जीते जी मत दीजिए। जिससे वो आज एक मोहताज हो गए हैं, उसी तरह से भगवान न करे किसी और के साथ भी हो। तो रेमंड वाले एक ऐड करते हैं, द कंप्लीट मैन, रेमंड के कपड़े पहने और कंप्लीट मैन, पूरे कंप्लीट मैन बन जाओ। मैंने उनको लिखा कि ये स्लोगन आप चेंज करिए, मेरे फादर जब 8-10 साल की उम्र में छोड़ के गए हैं, तब से मुझे आज तक वो कुछ उठता है, तो हाउ ए पर्सन कैन बी
कंप्लीट मैन विदाउट ए फादर। मैंने उनको लिखा, मैंने उनको ये भी लिखा कि स्लोगन आप चेंज करिए, और उनका जवाब आया कि हम आपके सेंटीमेंट्स को समझते हैं, इमोशनल को समझते हैं, बस इतना ही उन्होंने एक छोटा सा जवाब दिया। तो बच्चों के लिए मैं आज फादर्स डे पे समर्पित पिता के लिए दो ही लाइनें कही है, पूरा नहीं कर पाया। आप सम्मान करिए, वो कोई पागल नहीं है, आपका फादर ही इज़ द फाउंडर ऑफ योर लाइफ, उन्होंने आपको जीवन दिया है। आप जितना आप अपनी चमड़ी बेच के पूरा कर पाए तो उनको आप अपनी चमड़ी का जूता भी बना के देंगे ना, तब भी पूरा नहीं कर पाए। वही उसी तरह से मार बाप का कभी कर्ज आप पूरा कर ही नहीं सकते, चाहे आप कितने भी बड़े बंदा हो, कितने बड़े अहदे में हो जाओ, कितने बड़े पैसे कमा लो, आपका कर्ज हमेशा रहेगा, सारी ज़िंदगी आप कभी उतार नहीं सकते। थैंक यू एवरीबॉडी, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब करें, ये मुझे बड़ी खुशी होती है। थैंक यू एवरीबॉडी।